Recently, one of the largest telecom giants of India ने ये announce किया कि first day first show का मजा अब audience ले सकती है अपने घर के convenience पे ही. And जैसे ही announcement हुई, इस पर काफी ज़्यादा बातें करना शुरू कर दिया है लोगों ने. That how is this gonna happen? Is this even possible? क्या इससे फायदा होगा film industry को या फिर होगा नुकसान? Absolutely. क्या different contracts sign किया जाएगा? और ये premium customers को ये service उपलब्ध होगी mid 2020 पे. तो इन सारी चीजों पर क्या पायरेसी होगी, ज्यादा बढ़ावा मिलेगा पायरेसी को, तो इन सब चीजों पर, मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फिल्म एग्जिबिटर मिस्टर अक्षय राठी. मिस्टर अक्षय राठी, वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड. गुड आफ्टरनून. वेलकम टू प्लैनेट बॉलीवुड मिस्टर अक्षय राठी. मिस्टर अक्षय राठी, देयर हैज बीन अ बिग अनाउंसमेंट बाय वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम प्रोवाइडर्स कि मिड 2020 में एक ऐसी फैसिलिटी आएगी जहां पर लोगों को घर बैठे बैठे फर्स्ट डे फर्स्ट शो मूवी का देखने को मिलेगा. कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा ये, स्पेशली फुटफॉल इन द थिएटर्स, और क्या ये गेम चेंजर होगा? देखिए, डेफिनेटली गेम चेंजर होगा, बट इम्पैक्ट मेरे ओपिनियन में सिनेमा से ज्यादा होगा टेलीविजन पे. ऑलराइट, सी व्हाट दिस टेलीकॉम प्रोवाइडर इज ट्राइंग टू डू इज प्रोवाइड होम एंटरटेनमेंट एट अ प्लेस एंड टाइम ऑफ द कन्वीनियंस ऑफ द ऑडियंस. राइट, so while commuting from home to work or while sitting at home in the work, they'll be able to watch movie and a movie and content of at a time and place of their choice. Right, ab jahan tak mujhe ye samajh mein aa raha hai, bahut sari aisi movies hai. Ab aap last per square foot ka example lijiye, your last stories ka example lijiye. These are movies that came directly on Netflix. Aur इनका मेरे ख्याल से बिजनेस थिएट्रिकल एवेन्यू में वैसे भी उतना नहीं होता था कि किसी तरह का इम्पैक्ट पड़ पाता फॉर द मूवी और फॉर द एग्जिबिटर्स. अब जहां तक कि ये जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड हो रही है, इसका सवाल है, जहां तक मैं समझता हूँ एक बहुत क्लियर डिस्टिंक्शन आ जाएगा कि किस तरह की मूवीज थिएटर्स के लिए बन रही है और किस तरह की मूवीज होम एंटरटेनमेंट के लिए बन रही है. आप कुछ भी कर लें, आप अवेंजर्स जैसी मूवी या बाहुबली जैसी मूवी आप एक मोबाइल फोन पे या होम थिएटर में दिखाएं, तो वो मजा आपको कभी नहीं आएगा जो एक थिएटर में देखने में आता है. राइट, लेकिन अक्षय सर, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी. एक बड़ा चेंज ये है कि ये जो फिल्में थी 8 हफ्तों बाद शायद टीवी पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आती थी, लेकिन अगर ये सेम डे रिलीज हो रहा है एक थिएटर में और एक घर पे, तो क्या ऑडियंस बढ़ जाएंगी? देखिए, मेरे ख्याल से वो होना है नहीं, क्योंकि द प्रोड्यूसर्स हैव एन अग्रीमेंट इन प्लेस विद द एग्जिबिशन विद द एग्जिबिटर्स, जहाँ एक 8 हफ्ते का विंडो रखा जाएगा बिटवीन द थिएट्रिकल रिलीज एंड द रिलीज ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म. इफ यू सीन द स्टेटमेंट दैट्स बीन इशूड बाय आईनॉक्स लीजर, दे वेरी क्लियरली सेड दैट इट्स द चॉइस ऑफ द प्रोड्यूसर्स टू डिसाइड विच एवेन्यू ऑफ रिलीज दे वॉन्ट टू चूज. एंड कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये सही है. बहुत सारी छोटी फिल्में होती है जिनको वो ट्रैक्शन नहीं मिल पाते हैं थिएटर्स में कि लोग 250 या 300 रुपए की टिकट खरीद के वो पिक्चरें देखने आए. और वैसी पिक्चरों के लिए एन एवेन्यू लाइक व्हाट दिस टेलीकॉम प्रोवाइडर इज ट्राइंग टू पुट आउट इज ग्रेट, बट इफ यू ऑल्सो रियलाइज दैट द काउंट ऑफ फिल्म्स व्हिच आर दीज बिग स्क्रीन स्पेक्टेकल्स एंड दीज इमर्सिव एक्सपीरियंसेस इज इंक्रीजिंग एंड दोज आर फिल्म्स दैट विल कम ओनली टू द सिनेमास, I still hope and believe that the experience of watching a movie in a cinema hall is unparalleled. Mm-hmm. I still believe that there will be a lot of takers for it and a lot of producers will see the good sense in going to the theatrical avenue because of the prestige value and the thrill and the viewing experience that they provide. Right, okay. सर, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट कि इसके आने से, इस टेक्नोलॉजी के आने से, इस फैसिलिटी के मिलने से, क्या आपको ऐसा लगता है कि पायरेसी जो है वो करना ज़्यादा आसान हो जाएगा फॉर पीपल जिनसे वैसे ही फिल्मों को बचाना काफ़ी मुश्किल होता था? ये बहुत सीधी सी बात है. पहले आपको याद होगा पायरेसी कैसे होती थी, हॉल प्रिंट्स बनती थी. Right. कोई सिनेमा में एक हैंडीकैम के साथ आता था, फिल्म शूट करता था और उसकी डीवीडीज या वीसीडीज बना के बेचता था. This was the modus operandi of the pirates in the past. Right. Ab the technology and the security system that cinemas have improved at a level jahan pe kisi bhi cinema se kisi bhi show mein piracy ho rahi ho, to it's easy for the labs to identify kahan se hui hai and to penalize the people who've been a part of it. True. उसी लिए आप देखिए, जो हॉल प्रिंट्स होती थी, जो सिनेमा में शूट होके आती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है अब. Right. अब अगर आप एक फिल्म
किसी के घर पे एट अ टाइम एंड प्लेस ऑफ हिज कन्वीनियंस दिखाओगे, इट विल बी लाइक गिविंग अ केक टू द पायरेट्स. राइट. Right. And I truly hope that the technology is evolved enough to make sure that the producers get what's rightfully deserved by them rather than the pirates who make a party out of it. Right, absolutely. Yeah. Also, talking about the returns, itni big budget filmein banti hai, the biggest concern or the biggest discussion that's going on is if there is a first day, first show release, agar ghar baithe baithe log ye view kar pa rahe hain, obviously ghar mein 2 se 4 se usse zyada log baith kar dekh sakte hain, to kya wo returns producers ko wapas mil paayega? देखिए अब वो बहुत डिबेटेबल चीज है, बिकॉज फॉर अ टेलीकॉम मेजर इट्स नॉट द रेवेन्यू फ्रॉम द व्यूइंग ऑफ दैट मूवी बट द सब्सक्रिप्शन कॉस्ट इज व्हाट काउंट्स. तो एक फिल्म से पैसा नहीं बनाना है इस टेलीकॉम कंपनी को, उन्हें बनाना है अपने सब्सक्राइबर बेस से, और वो सब्सक्राइबर बेस कायम रखने के लिए ये सब फैसिलिटीज दी जा रही है. इनफैक्ट इन माई ओपिनियन going by the entire equation, and if I read it right, I think it's for the telecom company to really put a thought to whether it's worth pumping in so much of money into acquiring these movies on a first day, first show release while the theatrical avenue and the satellite avenues are still so robust. So it's honestly a call that needs to be, you know, taken by everyone who's in the value chain. And I, like I said, genuinely and truly believe that the experience of watching these big screen spectacles, these immersive experiences, this collective viewing experiences in a theater is unparalleled. And aap dekhiye, jab VCH aaye the tab bhi logon ne kaha tha ki theatrical window khatam ho jayega, jab VCDs DVDs aayi thi tab bhi kaha tha. Piracy aap dekhiye, matlab itne time se to ho hi raha hai na. Pirated downloads release ke agle din milne lagte hain, ye aaj bhi hota hai. Correct? और पायरेटेड डीवीडी या डाउनलोड आपको वर्चुअली एट जीरो कॉस्ट मिलता है. तो कोई पैसे देगा वैसी मूवी फर्स्ट डे फर्स्ट शो अपने घर पे देखने? I doubt that's going to happen in a big way. I don't think it can make too much of an impact at the cinemas. Mr. Rathi, thank you so much for all your inputs and information. Really helped us. Thank you so much. I'm glad. Thank you. Have a good day.